हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं। और जिनका रिजल्ट आ गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। कई ऐसे नीट एस्पायरेंट्स मुझे यही सुनने के लिए मिल रहा है कि सर माय मार्क्स इज़ वेरी ऑसम, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आया है। मेरे भी कई स्टूडेंट्स जो है वो 600 प्लस हैं, किन्हीं का 600 आया है। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ और उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात कि जो पेरेंट अपने बच्चों पर इतना ध्यान दिए उनको भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है अपने बच्चे लोगों को इस मुकाम पर पहुंचाने में। और बच्चे लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है अपने पेरेंट को जो वो चाहें उसको प्रूव करने में कि हाँ मैंने ये प्रूव कर दिया। तो जो भी मेरे फ्यूचर्स डॉक्टर हैं उनको सबसे पहले तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारे भविष्य में वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं और हम लोग के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। तो दोस्तों आज का वीडियो ये खास आपके लिए, क्योंकि बहुत ऐसे मुझे मैसेजेस आ चुके हैं कि सर मुझे इतना मार्क्स आया, सर इस मार्क्स में मुझे क्या मिलेगा। तो दोस्तों मैं अभी आज एकदम साफ तौर पर बताना चाहता हूँ आपको कि आपको क्या एक्सपेक्टेड है, इतने मार्क्स में आपको क्या इतने मार्क्स में आपको क्या मिल सकता है। तो मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले इस बार टॉप 10 लिस्ट में 715, क्योंकि 715 सबसे हाईएस्ट गया, ये तो पता ही है आप लोगों को। 715 मार्क्स लाकर तनिष्का जो राजस्थान से हैं वो देश की टॉपर बनी। और 715 से 710 के बीच में 10 टॉपर आ चुके हैं, 700 तक में 20-25 टॉपर एकदम इंक्लूडिंग हो चुके हैं। तो अब बात आती है कि मैं इतना मार्क्स लाया हूं, तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो टॉप 100 में होते हैं या टॉप 500 में या 1000 में, उनको MBBS के लिए सोचना, उनको एम्स के लिए सोचना नहीं है। वो एम्स भी मिलेगा और उनको MBBS भी मिलेगा। अब बात आता है कि मुझे MBBS के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए और कितना मार्क्स पे मिलेगा। जो स्टूडेंट 600 मार्क्स लेके आए हैं वो आप लोग एश्योर हो जाइए कि आपको MBBS मिलेगा और 100% मिलेगा। अब रही बात कि AIQ कोटा से कि SQ कोटा से, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल है दोस्तों। आपको AIQ कोटा से भी आप फिल कर सकते हैं, जहां पे आपको पूरे स्टेट में आपको देख लिया जाएगा, आपके रैंक के अनुसार से आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा है स्टेट कोटा, और स्टेट कोटा में भी आपका जो सबसे टॉप कॉलेज है वो भी आपको मिल जाएंगे। रहा सवाल दूसरा कि अगर सर मैं 550 लेके आता हूं तो क्या मुझे MBBS मिलेगा, आप SQ कोटा के लिए यानी स्टेट कोटा के लिए आप फाइट कर सकते हैं। स्टेट कोटा में आपका एलिजिबिलिटी है, आप स्टेट कोटा पे अपने सीट को ले सकते हैं। अब बात है कि इसके बाद तो मैं बात करता हूं 500 के बीच में, जो स्टूडेंट 500 लाए हैं और STSC कैटेगरी के हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनका भी चांसेस बनता है कि उनको MBBS मिलेगा। और 450 वाले को भी चांसेस मिलता है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टेट हैं जो 450 लोअर कैटेगरी के, जो लोअर रिजर्वेशन के तहत आते हैं, जैसे कि SC ST, उनका मार्क्स अगर कम भी आता है तो वो बहुत तो उनका रैंक जो होता है उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको MBBS प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर मुझे BDS चाहिए, तो BDS के लिए 450 जो है वो 450 से जो भी प्लस स्टूडेंट ला रहे हैं वो उनको BDS मिल सकता है। जनरल वाले अगर 500 ला रहे हैं तो उनका BDS एश्योर है कि आई थिंक उनको BDS मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि उसके बाद BAMS का क्या है, तो BAMS का 400 प्लस जितने भी स्टूडेंट ला रहे हैं, मैं जनरल कैटेगरी को लेकर बात कर रहा हूं, उनको BAMS का एकदम प्रावधान है। और जो STSC के कैटेगरी हैं तो अगर 200 प्लस भी ला रहे हैं तो उनको चांसेस है कि उनको BAMS, BHMS ये सब मिलने की संभावना है। तो अभी के वीडियो में मैंने अभी जितनी भी बातें हैं मार्क्स रिलेटेड मैंने बात कर लिया। बहुत ऐसे कोर्सेज हैं, कई ऐसे स्टूडेंट के द्वारा BSc नर्सिंग के लिए भी बोला गया कि सर मुझे BSc नर्सिंग मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इस बार का कट ऑफ इतना डाउन गया है। अगर प्रीवियस ईयर में हम लोग देखें तो इस बार का कट ऑफ बहुत ही डाउन गया है, 117-118 मार्क्स आपका पासिंग मार्क था जनरल के लिए। आप समझिए कि इसी के वजह से जो पासिंग रेशियो है इस साल का बहुत ज्यादा है, 9,93,000 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो इसको लगभग 10 लाख में मैं बात कर रहा हूं कि 10 लाख स्टूडेंट पास किए हैं। और इस 10 लाख स्टूडेंट को पास करने के बाद इनका जो भी एक काउंसलिंग क्राइटेरिया को जो पार करते हैं, यानी इनका कट ऑफ के पार है, यानी ये सारे स्टूडेंट पास है। अब जो काउंसलिंग के लिए जितने काउंसलिंग के लिए जितना मार्क्स चाहिए, अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने अभी बात किया एक डाटा को एनालाइज करके, तो अगर इसको जो पास करेंगे डेफिनेटली उनका काउंसलिंग के लिए वो फिलिंग कर सकते हैं और उनको वो कोर्सेज जरूर मिलेगा। आप घबराइए नहीं, आपको बहुत जल्द आपका काउंसलिंग होने वाला है, तो आप बस प्रिपेयर रहिए और अपने जो भी माइंड है, जो भी एक माइंडसेट तैयार कर लीजिए कि मुझे इस स्टेट में चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए,
तभी आप जो है वहां पर काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग कीजिएगा। चॉइस फिलिंग के दौरान आपको सारा वहां पे बता दिया जाएगा कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर विच कॉलेज और कहां पे आपका एडमिशन हो रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के मैं छोड़ सकते हैं और इसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।